स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कोलिजन्स किया था, कोलिजन्स में हमने डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो हमने करना है, लिखो, ऑब्लिक कोलिजन्स। बस ऑब्लिक कोलिजन्स लिखो, टॉपिक का नाम ऑब्लिक कोलिजन्स। देखो ऑब्लिक कोलिजन्स के अंदर आपको क्या करना है कि अगर सपोज करो आपके पास दो बॉल्स हैं जो आपस में कोलाइड करती हैं, तो इस केस में ये फर्स्ट का सेंटर, ये सेकंड का सेंटर C2 एंड C1, और अगर इन्हें ज्वाइन करें इन सेंटर्स को तो ये लाइन आएगी। अगर इनके सरफेस में से कोई लाइन को पास करें तो ये डायग्राम बनेगा, ठीक। इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक। तो इनके सरफेसेस के लिए दोनों कॉमन टेंजेंट है, इसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। तो एक हो गया कॉमन नॉर्मल, एक हो गया कॉमन टेंजेंट, ठीक। जो कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसका कॉन्सेप्ट कॉमन नॉर्मल के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, कॉमन टेंजेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉमन नॉर्मल एंड नॉट ऑन कॉमन टेंजेंट। मैं समझाता हूं इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। जैसे हाँ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो किया था वही कॉमन नॉर्मल है। तो इसमें जैसे सपोज हमने रेस्टिट्यूशन के अंदर ये वॉल ली थी, आपको याद होगा ये वॉल और ये बॉल, तो इस तरीके से कोलिजन होती थी, आपको याद होगा कुछ ऐसे वॉल और बॉल की। तो इस केस में ये बॉल है और ये वॉल है, तो यही इसकी क्या है कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों का, और ये क्या आएगा दोनों का कॉमन नॉर्मल। तो आपको याद होगा जो रेस्टिट्यूशन लगा था वो कॉमन नॉर्मल पे लगता था, टेंजेंट पे नहीं लगता था। टेंजेंट पे लगता था मोमेंटम कंजर्वेशन और नॉर्मल पे लगता था रेस्टिट्यूशन। जैसे मैं और बेटर एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये अर्थ है, ग्राउंड है, और आपको याद है कि ये बॉल आती है, बॉल टकरा के वापस जाती है, तो ये जो लाइन है ये है कॉमन टेंजेंट इनकी, और कॉमन नॉर्मल क्या होगी, यही लाइन है कॉमन नॉर्मल। तो आप क्या करते थे, अगर वी वेलोसिटी से बॉडी आ रही है तो ई इंटू वी से वापस जा रही है, तो आप जो रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो किसके ऊपर लगा रहे हो, कॉमन नॉर्मल के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है। यहां तक ये ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन इसका हमने नाम नहीं दिया था, इस बार हमने इसका नाम दिया है। देखो इसमें एक एग्जाम्पल है जिसके ऊपर इसको हम लगा के देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर सपोज, अगर ट्राई करना चाहो पहले ट्राई खुद कर सकते हो। लेट अस सपोज दो बॉल्स हैं, फर्स्ट बॉल एंड सेकंड बॉल, दो बॉल्स हैं एंड ये थर्ड बॉल है, इक्वल साइज बॉल है,
एंड लेट अस सपोज ये जो बॉल है, जो ये बॉल है, ये दो रेस्ट पे पड़ी हुई थी टेबल के ऊपर, थर्ड बॉल आई, इनके मिड पॉइंट पे जाके इसको हिट करती है, मींस कुछ सेंटर में जाके इनको एक्सिस के अलोंग हिट करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू. नेक्स्ट ये बॉल ए है, ये बॉल बी है और ये बॉल सी है. अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जब ये इसको हिट करती है, ये खुद किस पे ऊपर आ जाती है हिट करने के बाद, रेस्ट पे. पहले ये रेस्ट पे थी, हिट करने के बाद क्या होता है कि जो बी बॉल है वो ऊपर मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और जो सी बॉल है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, सेम वेलोसिटी. ठीक, ये रेस्ट पे आ जाती है और ये दोनों इधर उधर चली जाती हैं. तो आपको बताना है किसका रेस्टिट्यूशन कितना है, ई. तो आपको ये बताना है, रेडियस सबका आर है, आपको बस ये बताना है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन दिस केस. रेस्ट पे थी. हाँ जी सर. हाँ जी, तो इसमें कोलिजन हो रही है. मैं कुछ देख रहा हूँ कॉपी, लोग रेस्टिट्यूशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा कि रेस्टिट्यूशन कहाँ लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, कहाँ लगाएं, क्योंकि इसमें दो बॉल्स होते कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें तीन बॉल्स हैं. ठीक, तो इसमें अगर आपको रेस्टिट्यूशन की वैल्यू लगानी है तो सबसे पहले आपको एक्सिस डिफाइन करना है. रेस्टिट्यूशन हमेशा कॉमन नॉर्मल पे लगता है, जैसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लगता है. तो रेस्टिट्यूशन के लिए कोई भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट ले सकते हैं, चाहे ये ले सकते हैं ए और बी, चाहे ए और सी, कोई भी एक. लेकिन उससे पहले एक्सिस डिफाइन करने पड़ेंगे. जैसे फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी यहां पर यू है और ये डिस्टेंस कितना है, ये आर है, और ये भी कितना है, आर है, ये भी कितना है, आर है. तो यहां से ये पता लगता है कि इनके बीच में एंगल कितना है. तो लेट अस सपोज ये एंगल इज थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई टू आर, यानी कि हाफ. थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 30. तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री. तो ऑब्वियसली ये भी कितना आएगा, 30 डिग्री. तो पहला पॉइंट क्लियर है, 30 एंड 30. दूसरा पॉइंट इसके अंदर, अगर ये 30 है तो इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ u थी, ये वेलोसिटी v है, दिस इज वेलोसिटी v, एंड v के हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं. v का एक कंपोनेंट 30 के साथ v इंटू कॉस ऑफ 30, और एक कंपोनेंट v इंटू साइन ऑफ 30. इस v का भी एक कॉम्पोनेंट v इंटू कॉस ऑफ 30 और एक कॉम्पोनेंट v इंटू साइन ऑफ 30. तो ये मोमेंटम का कॉम्पोनेंट y एक्सिस में तो कैंसिल ही हो जाएगा, जैसे हम कोलिजन्स करते थे. अब x एक्सिस की बात करते हैं, तो अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस में जो मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, कोलिजन है. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम में m इंटू क्या आएगा, u आएगा, बाकी दो बॉल तो रेस्ट पे ही थी. फाइनल x एक्सिस के मोमेंटम में इसका मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, और उन दोनों का कितना हो जाएगा, m इंटू v इंटू कॉस ऑफ कितना, 30, प्लस m इंटू v इंटू कॉस ऑफ कितना, 30. इक्वेशन नंबर 1. तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है यहां तक, तो यहां से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लेकिन एक्सिस क्या लेके चलना है, एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के हिसाब से ये मोमेंटम है.
ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं किसकी, रेस्टिट्यूशन की। रेस्टिट्यूशन के लिए ई के लिए आप कोई भी एक लाइन ऑफ इंपैक्ट चूज कर लो, चाहे ए और बी की चूज कर लो, चाहे ए और सी की। चलो ए और बी की ले लेते हैं। तो ए और बी के अलोंग रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस यू टू, ई इज इक्वल टू वी टू। वी टू में बी ऐसे कर लें, सेकेंड बॉडी बी है, फर्स्ट बॉडी ए है, टू सेकेंड बॉडी है, फर्स्ट बॉडी ए है, डिवाइडेड बाई यू ए माइनस यू बी। ये ज्यादा आसान होएगा समझने के लिए, ए और बी, ठीक ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर बी, बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है इस एक्सिस के अलोंग, वी। तो यहां पर क्या पुट करेंगे, वी और इनिशियली, और जो ए है, ए की फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि ये फाइनली किस पे आ चुका है, रेस्ट पे। ए फाइनली रेस्ट पे आ चुका, बी की वेलोसिटी तो इसमें वी रहेगी। अब ए की इनिशियल वेलोसिटी देख लें, ए की इनिशियल वेलोसिटी यू थी एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन हमारा अब लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा हमें। इसका यू का एक कॉम्पोनेंट यहां लो, कितना, यू इन टू कॉस ऑफ कितना, 30। तो इनिशियल वेलोसिटी हम ए की जगह क्या लेंगे, यू इन टू कितना, कॉस ऑफ 30, और बी की क्या लेंगे, बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। तो यहां पर क्या आएगा, जीरो। तो वी इज इक्वल टू ई इन टू यू इन टू कॉस ऑफ कितना, 30। तो यहां और इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, सॉल्व करके e की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2/3। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, सॉल्व खुद कर लेना, बट समझ में आ रहा है यहां तक e की क्या वैल्यू आएगी। हाँ जी ठीक है यहां तक, हाँ सेम ही आएगा, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और ये क्वेश्चन पूछो कि अगर मान लो ये सेपरेशन 30° और 60° पे होती, और सॉरी मतलब कुछ ऐसे होती कि एंगल बराबर ना आते, वैसे तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट में तो बराबर ही आएगा, वैसे तो साइज सेम है, हाँ फिर आपको अलग अलग लेना पड़ता उसमें, तो फिर वो फिर लंबा क्वेश्चन हो जाता। तो इसलिए वो ज़्यादातर सेम ही साइज की बॉल देगा, ज़्यादातर मैंने देखे क्वेश्चन के अंदर तो एंगल 30° बनता है इसका, ठीक। चलो जब आएगा तो ठीक है, टेक्निक तो समझ में आ गई ना, तीन बॉल्स वाली कैसे करनी है कोलिशंस, ठीक। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सपोज आपके पास ये एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फेयर है, एक पॉइंट मास है m, विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट इसे हिट करता है, सच दैट यहां पे ये इसका सेंटर है, सेंटर के अलोंग सच दैट ये एंगल कितना है, थीटा, इसका मास कितना है m, ये मास है स्मॉल m, आफ्टर, और ये कोई मड है, मिट्टी है, इसके ऊपर आके चिपक जाती है, इस पे आके चिपक जाती है, फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, और इकट्ठे मूव करते हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ वी, और आपको निकालना है कि कॉमन वेलोसिटी वी क्या होगी इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन है। तो कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, जिसका आंसर आएगा एम वी नॉट इन टू कॉस ऑफ थीटा, और इसका मास कैपिटल एम है, सॉरी इसका कैपिटल, हाँ कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, ये आंसर आएगा। हाँ हेमिस्फीयर, फ्रिक्शन कोई नहीं है, चिपक गई इसके ऊपर ये पार्टिकल, चिपक गया फिर इकट्ठे चल पड़े, हेमिस्फीयर, हाँ रेस्ट भी था,
इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो कोलिजन से पहले यहाँ इस वेक्टर को आगे तक ले जाएं, तो ये वी नॉट है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितने हैं वी नॉट इंटू कॉस थीटा, और ये कितने हैं वी नॉट इंटू साइन थीटा, ऐसे ही है। अब क्योंकि हेमिस्फेयर का मोशन किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स के अलोंग है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अलोंग लेंगे, एक्स के अलोंग लेंगे। तो एक्स के अलोंग अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लें तो इनिशियल मोमेंटम, अब इसका मोमेंटम, इस छोटी बॉल का मोमेंटम एम इंटू वी नॉट इंटू कॉस थीटा होगा, हेमिस्फेयर तो रेस्ट पे था, फिर दोनों इकट्ठे कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम के साथ मूव करते हैं विद कॉमन वेलोसिटी ऑफ वी, तो यहाँ से वी की वैल्यू आएगी एम वी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस स्मॉल एम। तो आपके पास क्या आ गई, आपके पास कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब इस क्वेश्चन में जैसे सेकेंड पार्ट में ये भी पूछा गया है, फाइंड चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनली दोनों इकट्ठे के इकट्ठे मूव करते हैं विद कॉमन वेलोसिटी ऑफ वी, और इनिशियली सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास मूव करता है, एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इस वी को यहाँ पुट करके माइनस कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस विल गिव द चेंज इन एनर्जी। ठीक, तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट के अंदर, लेट अस सपोज देयर इज अ ट्रायंगल, देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ मास कैपिटल एम, एंड देयर इज अ पॉइंट मास स्मॉल एम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, इसको कोलाइड करती है यहाँ पे, और फिर ये पार्टिकल कोलाइड करने के बाद वी वेलोसिटी से ऊपर चला जाता है, और ये वेज आगे मूव करता है विद अ कैपिटल वी वेलोसिटी, कोलिजन के बाद कैपिटल वी वेलोसिटी। तो आपको सबसे पहले ये निकालना है, फाइंड कैपिटल वी, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इसमें रेस्टिट्यूशन ई गिवन है कोलिजन का, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा, एंड आपको इस क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालनी है वो स्मॉल वी की वैल्यू भी निकालनी है, क्या होगी कि टक्कर मारने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी और वेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। पॉइंट मास आया, इसको हिट करता है, हिट करने में सीधा ऊपर निकल जाता है, वेज चल पड़ता है, वेज की वेलोसिटी कितनी है और ऊपर जाने की पॉइंट मास की वेलोसिटी कितनी है, रेस्टिट्यूशन ई है, एंगल इसमें थीटा है।
तो इसके अंदर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको करने का एक स्टाइल है, एक करने का एक तरीका है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो कभी ये कहेगा एंगल पे चली गई बॉल, जैसे भी कहेगा वेज के साथ जब एंगल पे बॉल चली जाती है तो उसको करने का क्या तरीका होगा, इसको ध्यान से देखना आपने। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है कि एम इन टू यू जो बॉल आ रही है इसका वेक्टर ड्रॉ करना है इस तरफ, तो दिस इज एम इन टू यू मोमेंटम वेक्टर, ड्रॉ करते जाओ। ठीक, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक, तो यू या यू वेक्टर या एम यू वेक्टर जो मर्जी बोल लो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक प्लेन के साथ होगा यू कॉस थीटा और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और अगर मैं इसको पीछे की तरह एक्सटेंड करूं तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, थीटा 90, टोटल एंगल 90 है तो 90 माइनस थीटा से थीटा, तो यहां से वी का एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा वी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और एक कॉम्पोनेंट जो आएगा इसके परपेंडिकुलर आएगा कितना, वी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने यू के दो कॉम्पोनेंट बनाने हैं, आपने वी के दो कॉम्पोनेंट बना लेने हैं। ठीक, देखो इसमें तीन इक्वेशंस बनने वाली हैं, बहुत ध्यान से देखना तीन इक्वेशंस क्या बनेगी। लेकिन उससे पहले आपने इसका कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया, आपने इसका कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया, आपने एक और काम करना है इसमें, आपने इसके ये प्लेन देख लियो, देख रहे हो ये वाला प्लेन, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे, बिल्कुल पैरेलल ऐसे, बताता हूँ क्यों। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, सच दैट अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है, देखो सेम है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है। तो इसमें कैपिटल वी के दो कंपोनेंट्स होंगे, कैपिटल वी कॉस थीटा और इस तरफ कैपिटल वी साइन थीटा, कैपिटल वी कॉस थीटा कैपिटल वी साइन थीटा। तो यानी कि आपने जो भी तीन वेलोसिटीज गिवन थी आपने तीनों के क्या ड्रॉ कर लिए, कंपोनेंट्स। ठीक है यहां तक, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा जिसमें बॉल टकरा के निकल जाएगी, वो डिपेंड करेगा, जैसे इसमें तो 90 डिग्री कहीं और निकल जाती तो भी आप कंपोनेंट्स वैसे ही ड्रॉ कर ही लेंगे। सबसे पहले इस कोलिजन होने से क्या हुआ, वेज मूव करता है, वेज किस डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स। तो सबसे पहले आपने एक्सिस क्या लेना है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अंदर आपने मोमेंटम को क्या करना है, कांस्टेंट, बिकॉज कोलिजन है ना, तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम कांस्टेंट करें। टक्कर होने से पहले वेज किस पे था, रेस्ट पे, कौन मूव कर रहा था, पॉइंट मास, वो पार्टिकल का एक्स के अंदर मोमेंटम कितना है, एम यू, एम इनटू यू, बस एक्स एक्स, वो खुद ही एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा था, जो पार्टिकल है
वो खुद किसके अलॉन्ग मूव कर रहा था, एक्स के अलॉन्ग, तो इसका तो कॉम्पोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें. पहला पॉइंट क्लियर है, एम इन टू यू. और वेज किस पे था, रेस्ट पे. फिर क्या हुआ, वेज एक्स के अलॉन्ग मूव करता है और पार्टिकल वाई के अलॉन्ग, तो पार्टिकल का अब एक्स के अलॉन्ग मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि तो वाई के अलॉन्ग मूव करना शुरू कर दिया. लेकिन अब कौन मूव करेगा, वेज मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल वी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड सेम डायरेक्शन में. तो सिर्फ एक्स को देखना है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट मास का मोमेंटम एम इन टू यू, वेज का जीरो, कोलिजन के बाद पॉइंट मास तो वाई के अलॉन्ग निकल लिया, एक्स के अलॉन्ग तो उसके पास कुछ भी नहीं है, तो फाइनल मोमेंटम एक्स के अलॉन्ग तो पॉइंट मास का नहीं होगा, सिर्फ वेज का होगा, एम इन टू कैपिटल वी. तो यहां से एक तो कैपिटल वी की वैल्यू आ जाएगी एम यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम. हाँ, अगले दो पार्ट्स भी तो हैं. हाँ, वो कह रहा है कि कंपोनेंट स्टॉक करने की क्या जरूरत थी, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनेगी ना उससे, कंपोनेंट से. इसमें तीन इक्वेशन ऐसे टेक्निक बता रहा हूँ ना मैं तो यार, एक्चुअली पूरे तीन क्वेश्चन है इसमें. तो पहला क्वेश्चन तो यही है सिंपल. दूसरा क्वेश्चन, जो वेज है, ये वेज देख रहे हो, इसके अलॉन्ग वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट में कोई चेंज नहीं आता. कहने का मतलब, इस प्लेन के नॉर्मल ये देख रहे हो, नॉर्मल टेंजेंट, इसके अलॉन्ग लगेगा रेस्टिट्यूशन, इसके अलॉन्ग रेस्टिट्यूशन, इसमें कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा. तो सेकेंड इक्वेशन हमेशा अलॉन्ग दी प्लेन लगती है. अलॉन्ग दी प्लेन आपको क्या करना है, यू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी इंटू साइन थीटा. कई लोग मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे ताकि मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं है. आपने क्या करना होता है कि प्लेन के अलॉन्ग वेलोसिटी की जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता. जो लॉस इन वेलोसिटी होती है वो हमेशा नॉर्मल टू दी प्लेन लॉस होती है, अलोंग दी प्लेन कभी लॉस नहीं होती. जैसे एक बॉल है, एक बॉल को आप एक्स एक्सिस के अलोंग नीचे फेंको और कोई इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो देर विल बी नो लॉस इन वेलोसिटी. लेकिन अगर आप उसको हिट करोगे ग्राउंड के साथ तो उसकी हाइट विल चेंज बिकॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में प्लेन के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग जिसको बोलते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट रिमेंस सेम. इक्वेशन नंबर टू. नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये और ये सेम होंगे. मैं कह रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, बस दैट्स इट. अब लास्ट इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट है रेस्टिट्यूशन. अब रेस्टिट्यूशन के अंदर जो आप लेंगे वो ये एक्सिस लेंगे, ये या ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन के साथ नॉर्मल है ये दोनों, क्योंकि इसको एक्सटेंड करोगे ये भी नॉर्मल निकलेगा, ये तो है ही नॉर्मल. तो नॉर्मल के अलोंग रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस यू टू. ठीक, तो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू. और इसमें जो फर्स्ट बॉडी है, फर्स्ट बॉडी दैट इज यू वन एंड वी वन, ये बॉल के लिए है या पॉइंट मास के लिए है. और जो सेकेंड बॉडी है वी टू एंड यू टू, ये किसके लिए है, प्लैंक के लिए. कोलिजन दो बॉडीज के बीच में हो रही है, एक बॉल और एक प्लैंक. अब डिफाइन करना पड़ेगा कौन बॉल कौन प्लैंक, कुछ भी कर सकते हो वैसे तो. तो इसमें मैंने फर्स्ट बॉडी को बॉल ले लिया, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, वन का मतलब बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक. और ये सब किसके अलोंग होगा, अलोंग नॉर्मल, जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया ये सब उसके अलोंग होगा. तो स्टार्ट करें, ई इज इक्वल टू प्लैंक की वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग कितनी है. ये प्लैंक है, वी है, ये नॉर्मल है. फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा. ठीक, और हम अपने कन्वीनियंस के लिए इस डायरेक्शन को फिर एक काम करते हैं, क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव. तो वी साइन थीटा माइनस बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसके अलोंग, वी कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन उल्टी तरफ है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस स्मॉल वी कॉस थीटा. स्टेप समझ में आया यहां तक, ये कैपिटल वी है प्लैंक के लिए, ये लो. पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक. डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये रही बॉल, लेकिन एक्सेस आपने नॉर्मल लेना है, तो क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा.
माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक तो जीरो ही था, रेस्ट है इक्वेशन नंबर थ्री। इनको सॉल्व करके जो निकालने आंसर आ जाएगा। टेक्निक समझ में आ रही है कि क्या टेक्निक यूज की जा सकती है इसमें? कौन सा नहीं को रोल लिया, नॉर्मल के लाऊंगा इसका रोल रेस्टेड पर। अब एक कंपोनेंट थोड़ा ड्रॉ करूंगा, दो ही करूंगा, नहीं चाहिए दूसरा कंपोनेंट। आइडिया समझ में आ गया कि अगर बॉल इंक्लाइन प्लेन से अगर इस तरीके से टक्कर मार के जा रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए नहीं कभी, तो समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन की टेक्निक क्या रहेगी। तीन बॉल्स की कोलिजन हमने नहीं की थी, वो भी हो गया, इस बॉल इस टाइप की कोलिजन भी हो गया, दो तीसरा एक और करते हैं, उस टाइप की कोलिजन भी हमने नहीं की। अलोंग द प्लेन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है ना, जिसको कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटीज में कोई चेंज नहीं आता, टेंजेंट के अलोंग सेम रहती है। अगर आप अपने नॉर्मल किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे एक वो ये वाला क्वेश्चन किया था, एक बॉल आती है टकरा के चली जाती है कुछ ऐसे, तो आपने इसके अंदर भी यही किया था कि अगर मान लो ये यू है, ये थीट है, तो ये थीट है, तो ये यू है, तो क्या करते थे, यू कॉस थीटा, और ये क्या करते थे, यू साइन थीटा, और ऐसे अगर ये थीटा पे जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो ये क्या है v cos थीटा, और ये क्या है v sin थीटा। आप क्या करते थे, इसमें तो रेस्टिट्यूशन लगाते थे, लेकिन आप कहते थे कि ये कंपोनेंट इसके इक्वली रहेगा, कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहते, इनिशियल एंड फाइनल सेम। ठीक है यहां तक? सो नेक्स्ट टाइप करते हैं ऑब्लिक कोलिजंस में। दो डिस्क की कोलिजन है, पहली डिस्क एंड दूसरी डिस्क। पहले इनिशियल डायग्राम देख लो, इनिशियली पहली डिस्क u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका रेडियस r2 है, और r1 रेडियस की डिस्क u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, सच दैट ये मैंने दूर बना दी गलती से, लेकिन ये इसके काफी नीचे है, सच दैट ये इसको टक्कर मारेगी, तो ऐसा डायग्राम भी दिखेगा आपको थोड़ी देर में जब कोलिजन होगी। तो हेड ऑन कोलिजन नहीं है, कहने का मतलब कोलिजन हेड ऑन नहीं है, इसके नीचे टक्कर लगेगी इसकी, इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक तो इस केस में फॉर एन इंस्टेंट कुछ इस तरीके की कोलिजन हो गई, सच दैट इसकी वेलोसिटी कितनी है यू टू, इसकी वेलोसिटी कितनी है यू वन, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस आर वन आर टू है, ये डिस्टेंस आर वन है। इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, रादर मैं थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो आपको ये गिवन होगा कि दोनों के सेंटर जो हैं, दोनों के जो सेंटर्स हैं उनमें ये डिस्टेंस कितना है डी, उनमें डिस्टेंस ये डी है। ठीक है यहाँ तक? और कभी कभी इस डी डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, इस डी डिस्टेंस को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। शायद हमने क्लास में पहले एक बार डिस्कस किया था किसी न्यूमेरिकल में। तो इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब दोनों एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर हेड ऑन कोलिजन होगी इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हो जाता है, तो ये डिस्टेंस कितना है डी। तो आपको ना डी डिस्टेंस अगर गिवन होगा, आर वन आर टू गिवन होगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कोलिजन का एंगल क्या होगा इनके बीच में से थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज डी डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर ये एंगल थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल थीटा, तो इस u2 के दो कंपोनेंट्स बना लेने हैं, u2 इंटू कॉस थीटा और इस तरफ u2 इंटू साइन थीटा। सिमिलरली इसके अंदर u1 के दो कंपोनेंट्स बना लेने हैं, u1 इंटू कॉस थीटा एंड u1 इंटू साइन थीटा। ये जो असाइनमेंट नंबर कौन सी है 16, ये इसी की डिस्कशन चल रही है अभी, तो 16 तो असाइनमेंट नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस इसके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। टेक्निक बता रहा हूँ, कुछ निकालना नहीं है, तो इस टाइप से अगर आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो इसमें ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, अब इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉमन टेंजेंट एंड दिस इज कॉमन नॉर्मल, नॉर्मल टेंजेंट, ठीक। तो कॉमन अलोंग कॉमन टेंजेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम, अभी डिस्कस किया कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी जाती है वो चेंज नहीं होती, तो बताओ फर्स्ट बॉल की कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कितनी है u2 इंटू साइन थीटा और सेकेंड बॉल की इसके पैरेलल कितनी है u1 इंटू साइन थीटा, ठीक। तो दिस विल नॉट चेंज, ये नहीं चेंज होंगी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो दिस विल नॉट चेंज। नहीं इक्वल नहीं है, सॉरी, बस इट विल रिमेन सेम लिखना चाहिए, मतलब इस पे रेस्टिट्यूशन नहीं लगेगा। हाँ मैंने इक्वल टू गलत कर दिया, नहीं तो फिर यू वन इज इक्वल टू यू टू जाएगा हर क्वेश्चन में, तो इसमें इक्वल नहीं करना, इट विल रिमेन सेम बोलना है। सेम का मतलब कि फॉर एन इंडिविजुअल बॉल यू वन साइन थीटा है तो यू वन साइन थीटा ही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी आफ्टर कोलिजन, और ऐसे अगर ये यू टू साइन थीटा है तो यू टू साइन थीटा ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बस कहने का मतलब यू कैन नॉट अप्लाई रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लॉन्ग कॉमन टेंजेंट, बस खत्म, क्योंकि ई तो है ना, तो अगर ई है और अगर मैं कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग कर दूंगा तो आप कहोगे कि E का कॉन्सेप्ट एनर्जी लॉस इसके अंदर होगा जबकि इसके अंदर नहीं होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक। उनमें तो ठीक था, वो चलता था, वो जो भी किया था कोलिशंस में, क्योंकि इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा था, इसमें नहीं चलेगा, इसमें सही बात कह रहे हो, यू वन इज इक्वल टू यू टू हो जाएगा, और पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो कॉमन टेंजेंट में ये बोलो कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, पर ये ना बोलो कि यू वन जैसे मैंने किया उसमें गलती हो गई, इसमें थीटा थीटा वाली टर्म कैंसिल होगी, यू वन यू टू हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी इसमें, तो बस ऐसे बोलना चेंज, मतलब रेस्टिट्यूशन इसमें नहीं लगेगा इन शॉर्ट। अच्छा और भी आसान करता हूँ, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग जो वेलोसिटी है उसका कोई लेना देना नहीं, हमें क्वेश्चन में चाहिए ही नहीं, वो असल बात तो ये है, मुझे कॉमन नॉर्मल ढूंढना होता है रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चन में। तो कॉमन नॉर्मल के अंदर देखो, कॉमन नॉर्मल के अंदर अलोंग कॉमन नॉर्मल यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अब बात करते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ये फर्स्ट बॉल है एम वन, ये सेकेंड बॉल है एम टू, इनिशियली इसकी वेलोसिटी इसकी तरफ कितनी थी u1 cos theta इनिशियल और इसकी कितनी थी u2 cos, मैं वही सेम डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा आसान लग रहा है इसमें, कि इनिशियल वेलोसिटी u1 cos theta एंड इसकी u2 cos theta, वो देखो वहां से, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी मान लो इसकी आफ्टर कोलिजन इस तरफ कितनी हो जाती है v1, नई वेलोसिटी, और इसकी कितनी हो जाती है v2, तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी हो जाती है v1, सेकंड की कितनी हो जाती है v2, ठीक है यहाँ तक। तो इसके अलोंग सबसे पहले आप मोमेंटम को कांस्टेंट करोगे क्योंकि कोलिजन में मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना है m1 u1
कॉस थीटा एम टू यू टू कॉस थीटा आफ्टर कोलिजन एम वन वी वन एम टू वी टू, इक्वेशन नंबर वन। अब तो ये क्वेश्चन वो बन गया, वन डी वाला क्वेश्चन बन गया सेम, मतलब उसमें से हमने जो काम की चीज है वो निकाल ली, बाकी हमने छोड़ दिया सारा। तो वन डी के क्वेश्चन में यही है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा क्या लगेगा, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन कॉस थीटा माइनस यू टू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर टू। इन्हें आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और अपना जो भी न्यूमेरिकल इस टाइप का आएगा ऑब्लिक कोलिजंस का आप सॉल्व कर सकते हैं। ये टेक्निक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक। थीटा थीटा वो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से किया है मैंने थीटा, ठीक है यहां तक, ठीक। अब नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हमने नहीं किया हुआ, वेरिएबल मास सिस्टम। बट ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट हर तरीके से क्लियर हो गया, ओब्लिक कोलिजन आ गई, इंक्लाइन प्लेन पे कोलिजन आ गई, और नॉर्मल कोलिजन तो हमने क्लास में वैसे भी कर ही ली थी, तो नॉर्मल कोलिजन में कोई दिक्कत नहीं थी हमें, वन डी और नॉर्मल टू डी में तो दिक्कत ही नहीं थी कोई भी। नहीं लगता था, अब भी नहीं लगाया? नहीं नहीं डिस्क में ऐसा है ना, डिस्क के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्यों? क्योंकि मेरे को फाइनल वेलोसिटी उसके अलोंग निकालनी है v1 v2। कैसे लगाएगा उसमें? नेक्स्ट जो है इज अ वेरिएबल मास सिस्टम। तो एक डायग्राम इसमें ड्रॉ करूं, सपोज इसका मास m एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v, f एक्सटर्नल लग रही है इस पे, dm u एट टाइम t, और फाइनली m प्लस dm इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v प्लस dv एट टाइम t प्लस dt। इसको ड्रॉ करूं, मैं समझाता हूँ ये क्या है। हाँ ऐसा हो रहा है कि मैं इस m मास को, देखो ये डिब्बा कुछ नहीं है, बॉक्स कुछ नहीं है, बस ये तो क्वेश्चन है, ये तो सिस्टम है, पूरा सिस्टम लिया मैंने बॉक्स को, तो ये कुछ नहीं है, आप इसको हटा दो चाहे तो भी चलेगा। तो m मास को मैं खींच रहा था f एक्सटर्नल के साथ खींच रहा था, तो ये एक्सलरेट कर रहा होगा, पर किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v थी, अगले इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगी, पर इस इंस्टेंट पर v थी, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी v है। आपने क्या किया, पीछे से एक और dm मास आया और डीएम मास को कुछ किसी वी यू वेलोसिटी के साथ आपने इसके साथ अटैच कर दिया। अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो वी वेलोसिटी तो रहेगी नहीं, वी प्लस क्या हो गई डी वी, और मास कितना हो गया एम प्लस डीएम, तो ये सिचुएशन हो गई डी टी टाइम में।
टेक्निक है प्लीज, कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं ये बताया जा रहा है। ठीक, तो इसके अंदर जो रूल लगेगा वो ये लगेगा, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स एफ एक्सटर्नल फॉर टाइम डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम में एम प्लस डी एम इन टू वेलोसिटी कितनी है वी प्लस डी वी। फाइनल मोमेंटम में टोटल मास एम प्लस डी एम और वेलोसिटी कितनी है वी प्लस डी वी, और माइनस इनिशियली डी एम इंटू यू, डी एम इंटू यू एम इंटू वी। स्टेप चेक करना प्लीज, चेंज इन मोमेंटम देख लो पहले एक मिनट। चेंज इन मोमेंटम कैसे हुआ, फाइनल मास एम प्लस डी एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी प्लस डी वी, फाइनल मोमेंटम है। इनिशियली आपको अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि ये सिस्टम एक नहीं था, ये अलग अलग थे, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तो दोनों को माइनस करेंगे चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम के केस में एफ एक्सटर्नल जो भी आपने लगाई और इनटू कितना डीटी टाइम के लिए लगाई, तो डीटी टाइम के लिए आपके फोर्स को फिर छोड़ दिया, तो डीटी टाइम के लिए फोर्स लग रही है जिससे कि वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो गई चेंज हो गई एफ। इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं करती, मैं और आप ट्रॉली में बैठे हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ट्रॉली की स्पीड नहीं बढ़ेगी, बाहर से धक्का मारोगे तभी चेंज होएगी। तो बाहर से धक्का मारा हमने फॉर एन डी टी टाइम जिससे वेलोसिटी चेंज हो गई, और ये डीएम मैं ना प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ऐसे ना समझ में नहीं आएगा आपको। एक ट्रॉली जा रही थी, एक ट्रॉली को मैं एफ फोर्स लगा रहा था, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया। मान लो पीछे से किसी ने सैंड बहुत सारी रेत को ट्रॉली में घेर दिया हवा से, या बहुत सारा पानी घेर दिया, तो अब अगर उसने ड्रॉप किया कोई चीज़ तो फिर यू क्या हो जाएगा उसका, जीरो, बस उसने गहरा ही है उसके ऊपर। लेकिन कई बार कोई चीज फेंक दी जाती है किसी वेलोसिटी के साथ, तो अगर फेंक दी गई है तो उसकी वेलोसिटी भी काउंट होगी उस केस में। अब ये वो केस है कि ट्रॉली चल रही थी, ट्रॉली अपने आप तो चलेगी नहीं, मैंने फोर्स लगाया, और मैंने जब फोर्स लगाई और ऊपर से आपने एक मास को उसमें ऐड भी कर दिया, अगर मास ऐड ना करते फिर प्रॉब्लम, फिर एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, काम खत्म। न्यूटन का लॉ तो लग ही रहा था, पर इसके अंदर आपने मास भी ऐड किया, तो यानी कि आपने उसमें एक झटका दिया, क्योंकि डीटी टाइम के लिए आप फोर्स लगा रहे हो फिर छोड़ रहे हो, तो जिससे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ऊपर से आपने मास भी ऐड कर दिया, तो जिस वजह से मोमेंटम भी चेंज हो गया और इम्पल्स भी लग गया, तो झटका भी लगा है और मोमेंटम का चेंज भी आया है। समझ पा रहे हो उस चीज को क्या है एग्जाम्पल। तो इसको ओपन करते हैं, एक मिनट इसको ओपन करें, एफ एक्सटर्नल इन टू डी टी इज इक्वल टू एम इंटू वी प्लस एम इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी एम प्लस डी एम इंटू डी वी और माइनस डी एम इंटू यू माइनस एम इंटू वी। एम इंटू वी, एम इंटू वी क्या हो गया कैंसल, ठीक। डीएम एंड डीवी तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो दिस कैन बी निगलेक्टेड, और डीएम तो पहले ही छोटा है, डीवी भी बहुत छोटा है, तो 0.000 बहुत ही छोटा आएगा, इसको छोड़ देंगे। तो एफ एक्सटर्नल इनटू डीटी विल बी इक्वल टू एम इनटू डीवी प्लस वी इनटू डीएम माइनस यू इनटू डीएम, या एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डीवी बाय डीटी प्लस वी dm by dt minus u dm by dt। dt नीचे आ गया तो f external की वैल्यू आ गई आपके पास, या फिर f external will be equal to m dv by dt plus dm by dt v minus u
या फिर m डी वी बाई डी टी प्लस, इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू डी एम बाई डी टी। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी किसकी, जो भी ट्रॉली मूव कर रही थी विद वेलोसिटी ऑफ v, एंड पीछे से जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी वेलोसिटी u, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस u। तो ये वैल्यू आ गई रिलेटिव। वेयर वी माइनस यू इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू यू, और जिसको हमने क्या नाम लिखा, वी रिलेटिव ठीक। एंड अगर मैं इसमें यू माइनस वी कर दूं, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू एम, दिस इज सपोज वी रिलेटिव डैश, उल्टा या माइनस कर दो, माइनस वी रिलेटिव एक ही बात है, डीएम कर लो, यू मीन्स डीएम कर लो। तो यानी कि एम एम की वेलोसिटी वी थी, डीएम की यू थी, लेकिन अब मैंने उल्टा किया तो यू डीएम आ गया और वी एम आ गया। चाहो तो इसको माइनस लगा लो, इन दोनों में माइनस का ही तो फर्क है। मैं बुक्स के हिसाब से चल रहा हूँ, बुक्स में कैसे लिखा होता है कन्फ्यूजन नहीं होगी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाऊंगा इसका। वैसे इस पे माइनस के साथ काम चल सकता था इसमें। तो इसके अंदर अब जो वैल्यू आएगी एफ एक्सटर्नल की, हम ना माइनस ही ले लेते हैं, छोड़ो क्या इसमें वी डैश करना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सीधा लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। जैसे यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, वी रिलेटिव डैश इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव, माइनस का ही फर्क है इनमें। तो यहां पर ही मैं काम करते हैं, अगर मुझे वी रिलेटिव की जगह लिखना है तो माइनस वी रिलेटिव डैश कर दें इंटू डी एम बाई डी टी। मतलब ये जो वेलोसिटी आएगी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास जो आपने ऐड किया है, कितना ऐड किया है डी एम विद रिस्पेक्ट टू कितना एम। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया एक्सटर्नल का, इतनी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई। हाँ तो वहीं तक तो छोड़ दो, इतना भी क्या जरूरत है आगे जाने की। एक्चुअली क्या है कि वो स्टैंडर्ड बुक में ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि माइनस क्यों लगा रहे हैं, हमने प्लस क्यों नहीं लगाया। तो बुक में माइनस लगा रहा है तो हमने माइनस ले लिया, नहीं तो मेरे मैं तो वहीं से ठीक हूँ, मेरे को तो वो भी ठीक है, मतलब वो फॉर्मूला याद कर लो या ये कर लो एक ही बात है। तो मैं बुक्स के साथ चल रहा हूँ, जो आपकी बुक्स फॉलो करोगे तो उसमें माइनस लगा होता है, पर याद रखना फिर वो रिलेटिव वेलोसिटी छोटे ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लेते। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम में ये असाइनमेंट के अंदर आए कि आगे, जैसे मैंने बताया एक ट्रॉली जा रही है, एक ट्रॉली, और हाँ डी एम बाई डी टी क्या है, मास के ऐड होने का रेट। आप मान लो एक सैंड ऐड करते जा रहे हो, मिट्टी ऐड कर रहे हो ट्रॉली में, मैंने बताया, तो आपको क्वेश्चन में डी एम बाई डी टी गिवन होगा, किस रेट से आप सैंड को ऐड करते जा रहे हो, ये रहा डी एम बाई डी टी। फिर उसमें गिवन होगा कि उसकी वेलोसिटी अगर जीरो है मिट्टी की नीचे गिरते हुए, और ट्रॉली की वेलोसिटी वी है, तो जीरो माइनस वी प्लस हो जाएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लोगे सैंड की और ट्रॉली की, और डी वी बाई डी टी की जिस रेट से आप एक्सेलरेट कर रहे हो ट्रॉली को बाय अप्लाइंग अ फोर्स, और एम का मतलब मास ऑफ ट्रॉली। तो यहां से आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आएगी। अब देखो ना, आप अगर रेट बढ़ाते जाओगे इसका सैंड गिरने का, तो एक्सटर्नल फोर्स भी चेंज होती जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो आते हैं, ट्रॉली में मास ऐड हो रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट एक्सटर्नल फोर्स, कुछ ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, अगला पार्ट यही है, नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं जब मास रिमूव हो रहा है।
मास रिमूव भी करते हो तो डीएम बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, रेट नेगेटिव हो जाएगा, मास ऐड करते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कुछ और एग्जांपल है, हाँ ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कुछ न्यूमेरिकली है रादर ये, हाँ ये न्यूमेरिकल है, इसकी एप्लीकेशन है ये लगाना कैसे है फॉर्मूला। अब देखो जो मैं सैंड वाला एग्जाम्पल दे रहा था, अब इसको लगा के देखते हैं। तो इसके अंदर इस एग्जाम्पल में लेटर सपोज आपके पास ये एक ट्रॉली है, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, मास ट्रॉली का m नॉट है, वेलोसिटी इसकी जीरो है, रेस्ट पे है। आप एट टाइम t आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v हो गई, इसके अंदर आपने एक सैंड डालना शुरू किया, मास डालना शुरू किया, और मास म्यू इज इक्वल टू मास पर सेकेंड जो इसमें ऐड होता जा रहा है, म्यू का मतलब किस रेट से मास ऐड होता जा रहा है वो म्यू है। अब जैसे मान लो टी टाइम में, टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी टाइम में कितना मास ऐड हो गया, म्यू इंटू टी, मास पर यूनिट टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास एक्स्ट्रा मास आ जाएगा, तो पूरी ट्रॉली का मास कितना हो जाएगा इसमें, एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी। ठीक, तो टी टाइम में ये वैल्यू आ गई। आपको इसमें ये बताना है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी जब आपने एफ फोर्स लगाई थी और टी टाइम में इतना मास जब ऐड हो गया था, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फी। ठीक, और सैंड इस क्वेश्चन में नोट कर लेना, सैंड को ड्रॉप किया गया, इस पे सैंड को फेंका नहीं गया विद सम वेलोसिटी ऑफ यू, बट ड्रॉप कर दिया, तो सैंड की अपनी वेलोसिटी गिरते ही जीरो रहेगी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जीरो है, और फिर वो ट्रॉली की वेलोसिटी अटेन कर लेगी। ठीक, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा एफ अभी जो लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था एफ, क्या था एफ, हाँ एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाय डी टी माइनस वी रिलेटिव डैश इंटू डी एम बाय डी टी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी एम बाई डी टी। अब m का मतलब जब वेलोसिटी v हो गई है ट्रॉली की तब कितना मास है, तो m की जगह क्या पुट करेंगे, m नॉट प्लस म्यू टी इंटू डी वी बाई डी टी। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी बोलो क्या लेंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी ली है हमने डैश ली है, डैश समझते हो, यानी कि स्मॉल मास की वेलोसिटी में से ट्रॉली की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, माइनस, डैश लिया है ना, भी लिखा था हमने, तो स्मॉल मास सैंड है, सैंड की वेलोसिटी इनिशियली क्या है, गिरते जीरो, और किसी भी इंसिडेंट पे ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी हो गई है वी, तो रिलेटिव वेलोसिटी की जगह पुट करेंगे जीरो माइनस वी। ठीक, तो वी जीरो, सैंड गिर रही है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जीरो है और ट्रॉली की वेलोसिटी इस इंसिडेंट पर वी है, तो वी रिलेटिव की जगह जीरो माइनस वी इंटू डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी की जगह यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, डीएम बाई डी टी की जगह म्यू इंटू टी, जो डीएम बाई डी टी है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं इसमें, नहीं म्यू, सिर्फ म्यू, टी नहीं, म्यू, क्योंकि म्यू का मतलब खुद ही क्या है, म्यू का मतलब डीएम बाई डी टी, कितना मास गिर रहा है पर यूनिट टाइम, तो यहां पर सिर्फ म्यू आ जाएगा, डी डी म्यू कुछ नहीं होता, म्यू तो पहले डीएम बाई डी टी है, वो तो पहले ही छोटा रेट, रेट समझते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास डीएम बाई डी टी है, तो डीएम बाई डी टी ही म्यू है, तो यहां पर डीएम बाई डी टी की जगह सीधा म्यू पुट कर दिया। ठीक है यहां तक, क्यों मैंने फॉर्मूला ये नहीं बनाया था अभी माइनस के साथ, अच्छा अच्छा ठीक है, तो नहीं वो एक्चुअली नहीं, ठीक गलत भी नहीं है, पता है क्यों, वी रिलेटिव का मतलब था, वी रिलेटिव का मतलब था वी माइनस यू, अच्छा ठीक बोल रहे हो, वो मैं डैश नहीं लगाना चाहिए मुझे, अब समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ डैश, क्योंकि मैं, क्योंकि जब मैंने यू माइनस वी किया था तो मुझे यहाँ माइनस वी, हाँ मैंने डैश, डैश तो तब लगाना था जब मैं माइनस ना लगाता, हाँ ठीक है चलो प्लीज़ उसको डैश हटा लेना प्लीज़ फॉर्मूले में, सही है, डैश लगाने का फायदा नहीं ना, क्योंकि जो माइनस ही लग गया फिर डैश क्यों लगाना, फिर तो ठीक हो गया,
ठीक है ना, तो फिर तो ठीक है, अगर माइनस लगा दिया फिर ऑटोमेटिकली ये टर्म पॉजिटिव ही हो जाएगी, ठीक हो गया फिर तो। मतलब समझ में आ गया ना मैं क्या बता रहा हूँ, बस बात खत्म। मतलब कहने का मतलब कुछ नहीं याद करना यार, यहाँ अगर प्लस करना है प्लस कर लो, बड़ी में से छोटी वेलोसिटी को माइनस कर लेना, बस बात खत्म। ठीक, तो इसमें इसको अगर ओपन करेंगे, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी इंटू डी वी प्लस वी इंटू म्यू इंटू कितना डी टी, डी टी एलसीएम आ गया। ठीक, तो यहां से एफ कहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे एम नॉट प्लस म्यू टी डी वी बाई डी टी, वो तो एक फॉर्मूला ही चल रहा है डी वी बाई डी टी का। ठीक, अब इसे ओपन कर लेते हैं, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू एम नॉट इंटू डी वी प्लस म्यू टी इंटू डी वी प्लस वी इंटू म्यू इंटू डी टी। ठीक, तो इसमें मेरे को एक टर्म में वी चाहिए, एक टर्म में मेरे को टी चाहिए, एक में टी एक में वी चाहिए, तो इसमें एफ की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डी टी, चलो ठीक है कॉमन निकाल के देख लेते हैं। तो यहां पर आ गया एफ डी टी, डी टी वाली टर्म है, डी टी वाली टर्म है, तो माइनस वी इंटू म्यू इंटू डी टी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू कितना डी वी। ठीक है, जबकि मेरे को इसमें डी टी वाली टर्म को इकट्ठा करना है। अच्छा, डी टी वाली तीन टर्म्स होगी ना मेरे पास, मेरे पास डी टी वाली तीन टर्म्स होगी, एक ये टर्म होगी जिसमें टाइम आ रहा है, एक ये टर्म होगी जिसमें टाइम आ रहा है, और ये टर्म। एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, मेरे को एक मिनट ट्राई करने दो, उसके बाद अब करना। एफ इंटू डी टी, मैं इसमें से और इसमें से इनको इकट्ठा रखना चाहता हूँ, तो मेरे पास आएगा कॉमन नहीं आएगा इसमें, म्यू टी डी टी, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी इसमें, एफ माइनस वी इंटू म्यू इंटू डी टी अगर करते हैं, और यहाँ से एम नॉट इंटू डी वी कॉमन आ गया, प्लस म्यू टी डी वी करते हैं तो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज ये टी आ गया, टी वाली टर्म एक तरफ होनी चाहिए। नहीं, दोबारा देखना पड़ेगा, 2 मिनट रखे हैं, बोलो बोलो। हाँ, नहीं, वो तो हो ही जाएगा फिर, पर ये फॉर्मूला की एप्लीकेशन अब करवाई है तो उसको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बताओ, एफ इंटू एफ इंटू टी, नहीं सही नहीं है, वी कितना आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है, नहीं इसमें एक लास्ट वाली टर्म, ठीक है ठीक कर सकते हो, पर फॉर्मूले की एप्लीकेशन भी एक बार देख लेना फिर क्या है। ठीक कह रहा है, वो कह रहा है फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, एक ही बात है, वो तो है ही एक तरीका, पर एक्चुअल में कुछ और भी टर्म आ सकती है इसमें, जैसे इसमें ना लॉग की इन्वॉल्वमेंट है, दरअसल मुझे लॉग बताना है कैसे आएगा, मेरे को कैलकुलेशन बतानी है इसमें, तो कैलकुलेशन के अंदर एक बार फिर से देखो, एक बार जरा प्लीज़ ट्राई करना, डी टी वाली टर्म को एक तरफ रखना, वी वाली टर्म को एक तरफ, 2 मिनट दो मुझे प्लीज, पेन देना है। इसमें कहीं डीएम बाई डी टी तो नहीं बच गया कहीं, और डीएम बाई डी टी मैंने म्यू पुट कर दिया ना इसमें, हाँ तो इसमें गलती नहीं है यार, म्यू इन टू वी म्यू एफ हो गया माइनस म्यू वी। अच्छा, इतना सिंप्लीफाई करने की शायद मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लगता है इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। देखो एफ मैंने ऐसे ही डी टी यहाँ ले ले गया मैं, मुझे लगता है कि ऐसी बात बन जाएगी, ये कितना है डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पर एफ ये कितना हो गया प्लस म्यू वी, तो ये माइनस म्यू वी आ गया है ना, तो इतना देखो डी टी अब एक टर्म में आई गई है, मैं ऐसे सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, तो इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं 1 बाई एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 1 बाय
एफ माइनस म्यू वी इंटू डी वी, ऐसे सिंप्लीफाई कर करके उसमें वो एक स्टेप ज्यादा कर गया मैं, तो ये मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरे को टी वाली टर्म एक तरफ चाहिए, मेरे को वी वाली टर्म एक तरफ चाहिए, अब सही है। अब इसके अंदर जीरो और वी के हिसाब से इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो ना, आप मान लो क्वेश्चन में आ जाता है कि टाइम 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक एक्सपेरिमेंट हुआ, आपका मेथड फेल हो जाएगा। आपका मेथड इन जनरल तो आंसर बना देगा, पर उसने अगर ये कहा कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड हुई और टाइम 4 सेकेंड से 5 सेकेंड हुआ, तो मेरा मेथड सही चलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जीरो से लेके टी टाइम है, जीरो से लेके वी वेलोसिटी है, तो इसमें चल जाएगा। तो मेथड तो आपको आना ही चाहिए वाला। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? हालांकि आप भी बना ही लोगे उसमें, इंटीग्रेशन तो आप भी करोगे डी टी और उसमें। चलो इन एनी केस, इसकी इंटीग्रेशन बोलो क्या होगी, लॉग ऑफ एम नॉट प्लस म्यू टी डिवाइडेड बाई डी बाई डी टी ऑफ एम नॉट प्लस म्यू टी, ऐसे करते थे ना, कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी तक, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ माइनस कितना म्यू वी डिवाइडेड बाई डी बाई डी वी ऑफ कितना एफ माइनस म्यू इंटू वी, कहां से कहां तक, जीरो से लेके वी तक, तो लॉग ऑफ एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी जीरो से टी तक और डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। यहां पे लॉग ऑफ एफ माइनस म्यू इंटू वी जीरो से वी तक, और ये टर्म भी यहां पर आंसर क्या आएगा, माइनस म्यू आ जाएगा, तो म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास आएगा लॉग ऑफ एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी जीरो से टी तक माइनस लॉग ऑफ एफ माइनस म्यू इंटू वी जीरो से लेके वी तक, लॉग ऑफ एम नॉट प्लस म्यू टी माइनस लॉग ऑफ एम नॉट अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस लॉग ऑफ एफ माइनस म्यू इंटू वी माइनस लॉग ऑफ एफ, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक ठीक है, तो यहां से अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लॉग ऑफ एम नॉट प्लस म्यू टी माइनस एम नॉट का मतलब डिवाइडेड बाई एम नॉट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एफ माइनस म्यू इंटू वी बाई एफ, ठीक, या फिर लॉग ऑफ म्यू टी बाई एम नॉट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस म्यू इंटू वी, उल्टा कर दो माइनस साइन एडजस्ट करके, तो लॉग वाली टर्म्स इक्वेट की जा सकती हैं। अब कैसे, एम नॉट म्यू टी एम नॉट एफ इंटू वी, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी की, जो वी आएगा फाइनल आंसर आएगा। मतलब ये टेक्निक है, प्लीज कोई न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है फिर तो वही ठीक था, फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम, पर द पॉइंट इज कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप जो है अगर लिमिट्स चेंज करनी हो फिर आप फंस सकते हो, लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल के अंदर आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। लो अगला क्वेश्चन आ ही गया, आ क्या सकता है, आ ही गया अगला क्वेश्चन लॉग में, नेक्स्ट एग्जांपल लॉग पे।
देखो जो नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर सपोज करो देयर इज अ ट्रॉली जिसमें सैंड है यहां एक होल है जिसमें से सैंड बाहर निकल गई, ड्रॉप होती जा रही है और ट्रॉली की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर वी है, तो सैंड की निकलते ही वेलोसिटी भी वी ही रहेगी, जीरो थोड़ा रहेगी, ट्रॉली की स्पीड तो क्वायर करेगी। आपको बताना है कि टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली एट एनी इंस्टेंट, और हम फिर से एक बार क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर, फोर्स लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं। तो आप एफ का फॉर्मूला तो पुट कर ही सकते हो, एफ इज इक्वल टू क्या था, एम डी वी बाई डी टी और माइनस वी रिलेटिव इंटू कितना, डी एम बाई डी टी। पर यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, निकलती सैंड और ट्रॉली की वेलोसिटी तो सेम ही है, तो एक कॉम्पोनेंट तो बिल्कुल ही जीरो हो गया है इसमें। तो एफ की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ गई और क्वेश्चन में वही गिवन है, म्यू का मतलब है डी एम बाई डी टी, जिस रेट से सैंड बाहर निकल रही है। तो आफ्टर टाइम टी कितनी सैंड बाहर निकल गई, म्यू इंटू टी, ट्रॉली का मास टोटल पहले कितना था, एम नॉट था इंक्लूडिंग सैंड, सैंड के मिला के एम नॉट था, तो अब आफ्टर टाइम टी कितना रह गया, एम नॉट प्लस नहीं, एम नॉट माइनस म्यू टी, अब सैंड ऐड नहीं हुई, अब सैंड माइनस हो गई। तो एम की जगह यहां पर क्या पुट करेंगे, एम नॉट माइनस म्यू इंटू टी इंटू डी वी बाई कितना डी टी, तो 1 बाय एम नॉट म्यू टी डी टी 1 बाय एफ इंटू डी वी, और इसकी इंटीग्रेशन अगर करें तो 0 से लेके वी तक, ये मान लो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है सिस्टम, और 0 से लेके टी तक इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक 1 बाय एफ, वी की जगह 1 डी वी इज वी, 0 से लेके वी तक, तो लॉग ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी 0 से लेके टी तक और डिवाइडेड बाय इसकी डिफरेंशिएशन 0 तो माइनस म्यू 1 बाय एफ इंटू क्या जाएगा वी, या लॉग ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी 0 से लेके टी तक इज इक्वल टू माइनस म्यू वी डिवाइडेड बाय एफ। तो इसको लिमिट पुट करते हैं, लॉग ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस लॉग ऑफ एम नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू वी डिवाइडेड बाय एफ, या लॉग ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाई एम नॉट इज इक्वल टू म्यू इन टू वी डिवाइडेड बाई कितना एफ। तो यहाँ से एम नॉट आपको इसमें क्या निकालना है, वी निकालना है, तो लॉग ऑफ 1 माइनस म्यू टी बाई एम नॉट इन टू एफ बाई म्यू, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, वी की। तो यहाँ से सॉल्व करके आप वी निकाल सकते हो, और नॉन मेडिकल वालों को मैथमेटिकल पोर्शन की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ्स में प्लस टू के अंदर लॉग्स और कैलकुलस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका और ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे। तो मतलब इतनी टेंशन नहीं कि मैं इतना मैथ्स कैसे करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है, ऐसे है ना सर, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्टार्टिंग क्या है, दैट्स इट। माइनस साइन हटा दिया मैंने, अच्छा माइनस साइन चल रहा है यहाँ पे, माइनस साइन चल रहा है फिर यहाँ पे, यार माइनस साइन चल रहा है, माइनस के साथ आएगा फिर ये, फिर माइनस साइन यहाँ एम नॉट बाई कर सकते थे उल्टा, माइनस साइन के साथ आएगा प्लीज। जो रॉकेट प्रोपल्शन हमने की थी ना एनसीईआरटी में, बुकलेट में भी थी, वो एक्चुअल बहुत ही जो है मोमेंटम कंजर्वेशन से बहुत ही एक छोटे लेवल पे थी। एक्चुअल में रॉकेट प्रोपल्शन कैसे चलता है मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। अब वो मास इजेक्शन सिस्टम है, मास जैसे इसमें सैंड गिर रही है उसमें गैस गिर रही है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम क्वेश्चन बनाया तो उसमें भी था, बट थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बनेगा इसमें, इसमें जी इंटू टी भी आएगा, उसमें जी टी नहीं आता था ना सर, आप वही लगाना प्लीज़, ये तो कोई एडवांस लेवल में कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तभी कुछ करना, नहीं तो इसके साथ मत कुछ भी करना, नॉर्मल लेवल में जरूरत नहीं आपको करने की, आप पहले देख तो लो लगाएंगे ना, पहले देख तो क्या पता आपको ठीक लगेगे ठीक। वैसे मेरे हिसाब से तो मास इजेक्शन सिस्टम या मास एडिशन सिस्टम के अंदर बस ये फॉर्मूला मोर देन सफिशियंट है, बस
कभी मास ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, रिलेटिव वेलोसिटी पुट करो, सीधा ही आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत क्या है। ठीक, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन लगा के दिखा देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, वो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी लेवल में बहुत छोटे लेवल पे गिवन है। तो इसमें लास्ट जो टॉपिक है दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर मान लो आपके पास ये एक रॉकेट है, मास एम नॉट है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, और वेलोसिटी की वैल्यू इसकी इनिशियल यू है एंड मास की वैल्यू इसमें एम नॉट है, कुछ ऐसे ये डायग्राम गिवन है। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, गैस निकल रही है, एट टाइम टी ये सिनेरियो है, और मास की वैल्यू कितनी रह गई, एम नॉट माइनस म्यू टी, वही अभी सैंड गिर रही थी ऐसे, इसमें म्यू इंटू टी, वेयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज गिवन एज वी आर। तो रॉकेट सीधा वी आर ले लिया इसमें, एंड किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी वी वेलोसिटी, एंड इसमें रॉकेट ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है एफ ऑफ टी, नीचे रॉकेट का वेट कितना है एम जी, एफ ऑफ टी ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगा रहा है और नीचे इसका वेट इसे अपोज कर रहा है, जो जिसकी वैल्यू कितनी है एम ऑफ जी। तो इसमें जो नेट फोर्स लगेगी रॉकेट के ऊपर एफ ऑफ टी अपवर्ड फोर्स माइनस क्या लगेगी, डाउनवर्ड फोर्स एम जी, एफ ऑफ टी माइनस एम जी। हम इस कॉन्सेप्ट को फोर्स से कर रहे हैं, उसमें किया था मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो इतनी फोर्स नेट लगेगी, और फोर्स होती क्या है नेट, मास इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी की जगह वी आर डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। जो थ्रस्ट है वो कौन दे रहा है, वो गैस दे रही है, और गैस कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, जब गैस निकलती है तो वेलोसिटी गैस की कांस्टेंट होती है और मास चेंज होता है, दैट इज डी एम बाई डी टी। और जिस वजह से रॉकेट में एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है, तो रॉकेट में एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है किसी भी इंस्टेंट पर, मास एम है और रॉकेट की एक्सेलरेशन ए है, ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। इसमें वेट की एडजस्टमेंट भी होगी ना एम जी। तो इस केस में आप डी वी और इस टर्म को एक तरफ रखो, इसमें दो दो, क्योंकि डी वी भी चल रहा है, डी टी भी चल रहा है, और इसमें डी एम भी चल रहा है। ठीक, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी आर बाई एम, डी एम बाई डी टी माइनस एम जी, या डी वी इज इक्वल टू वी आर बाई एम डी एम माइनस एम जी इंटू डी टी, डी टी एलसीएम ले लिया। ठीक, और इसे जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, वी आर तो कांस्टेंट है, वन बाई एम डी एम की इंटीग्रेशन, एम जी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ से टाइम की इंटीग्रेशन, किसका एम कैंसिल होगा, एम कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो जी बचेगा जी। तो टाइम की लिमिट जीरो से टी है, मास इनिशियली एम नॉट से एम हो गया किसी भी इंस्टेंट पर, और वेलोसिटी यू से वी हो गई, एम लिमिट में लगा दिया ना, एम नॉट सेम, लिमिट में एडजस्टमेंट हो गई। तो इसके अंदर वन डी वी इज वी, यू से लेके वी तक, वी ऑफ आर लॉग ऑफ एम, कहाँ से कहाँ तक, एम नॉट से लेके एम तक, माइनस जी टाइम जीरो से लेके टी तक। तो वी माइनस यू इज इक्वल टू वी ऑफ आर लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एम नॉट माइनस जी इंटू टी, v माइनस यू वी आर लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस जी टी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की जीरो है, तो v इज इक्वल टू वी आर लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस जी टी। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला जो बनेगा, हमने जी टी नहीं लिया था, बाकी सब तो बनता था हमारे पास, कुछ ऐसा आंसर बनेगा। और इसमें अगर m नॉट बड़ा है
तो ऐसा भी किया जा सकता है, माइनस कॉमन निकाल लो, एम नॉट बाई एम माइनस जी टी। तो कई फॉर्मूला बुक्स में ये फॉर्मूला यूज करेंगी रॉकेट प्रोपल्शन का, मैं आपको न्यूमेरिकल से करके दिखाता हूँ एक। अब ये फॉर्मूला लिखो रॉकेट प्रोपल्शन का, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, हमने रॉकेट प्रोपल्शन का कोई न्यूमेरिकल अभी तक किया नहीं सॉल्व, तो मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ और सीधा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। मतलब आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं नहीं जो हमने किए थे, न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होंगे, वो थ्योरी के लिए ठीक है 3 नंबर की बेसिक लेवल पे। क्यों, रॉकेट में इंजन लगा है, एक रॉकेट उड़ेगा, यू इक्वल टू 0 5 4 3 2 1 ऐसे उड़ता नहीं है, रॉकेट स्पीड बढ़ाता है, इंजन लगा हुआ है, इंजन यू इक्वल टू 0 स्पीड बढ़ाता रहेगा। रॉकेट फेंकना थोड़ी ना कि फेंक दिया और फिर वेलोसिटी स्लो हो जाएगी, रॉकेट के अंदर इंजन है, गैस फेंकी जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा अगर मान ले नहीं 0 तो यू रख ले, माइनस साइन ही निकाल लिया कॉमन। देखो मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसमें। रॉकेट विद इनिशियल मास ऑफ 1000 kg, रॉकेट विद इनिशियल मास ऑफ 1000 kg, यानी कि एम नॉट की वैल्यू 1000 kg, इनिशियल मास कितना होता है 1000, मैं साथ साथ पुट करता जाता हूँ, एम नॉट की वैल्यू 1000, इनिशियल मास ऑफ 1000 kg इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, तो यू इज इक्वल टू 0, रेस्ट से लॉन्च किया है अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है। The rocket burns fuel. The rocket burns fuel at a rate of 10 kg per second. तो इस रेट से फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो 10 kg per second से फ्यूल बर्न हो रहा है। The burnt matter is ejected vertically downwards with a speed of 2000 meters per second. What the burnt matter is ejected vertically downwards with a speed of 2000 meters per second. गिरा तो गैस नीचे निकल रही है with a velocity of 2000 meters per second. Relative to rocket, this velocity is relative to rocket. तो ये तो वही बात होगी, this is actual में relative velocity. ये तो VR की value दे दी उसने, ठीक, relative velocity की value पता लग गई डाउनवर्ड्स। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर 1 मिनट ऑफ स्टार्ट, 1 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। पहले एक चीज नोट कर लेना, 1 सेकंड में कितने केजी फ्यूल बर्न हो रहा है, 60 सेकंड में कितना होगा 600 kg। तो अब मास m कितना बच गया, m का मतलब होता है यहां पर मास लेफ्ट एट एनी टाइम। 1000 तो टोटल था, 1000 तो टोटल था, 600 बर्न हो गया, बचा कितना 400, तो यहां पर m की वैल्यू जो पुट करोगे वो क्या पुट करोगे 400 kg। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में 10 किलो बर्न हो गया, 1 मिनट में कितना बर्न हुआ होगा, 60 सेकंड में 60 × 10 600 kg, तो खत्म हो गया, बचा कितना 400। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे V की फॉर्मूले में, V इज माइनस ऑफ VR की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 2000, डायरेक्शन जो गैस की वेलोसिटी है रॉकेट की वेलोसिटी से कमी होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं आ सकती, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव आएगी,
याद है छोटे मास की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू बड़ा मास, तो ये माइनस ही आएगी और इन टू लॉग ऑफ टोटल मास कितना था 1000 था, बच कितना गया 400 माइनस जी इन टू 60 सेकेंड सॉल्व कर लेना आंसर। ऐसे निकलेगा रॉकेट प्रोपल्शन का क्वेश्चन। पॉइंट समझ में आ रहा है?